खुशी मनाए, पटाखा खूब चले। गार का तो मस्ट है, हम चाहेंगे कि जितना जल्द हो सेंट्रल से कनेक्ट करके फैक्ट्री वगैरह लगाया जाए, जो कि बेरोजगारी है। सम्राट जी ने चाह रहे थे कि ये काम करें, वो काम नहीं कर पाते थे और अब वो स्थान पर पहुंच चुके हैं जो कि वो काम पूरा कर सकते हैं। सम्राट चौधरी अब बिहार के उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी उनके घर पे है। यहाँ पे बहुत सारे गांव के लोग भी इकट्ठा हुए हैं जो सम्राट चौधरी को बचपन से देखे हैं, बचपन से जानते हैं कैसे राजनीति में आना हुआ और अब उप मुख्यमंत्री तक का सफ़र कैसे देखते हैं सम्राट जी की उपलब्धि को? बहुत अच्छा तरह देखते हैं हम लोग। आते हैं तो मिलते हैं आपसे? सबसे छोटा भाई अब मिलेगा नहीं हो, सबसे मिलता जुलता है। क्या उम्मीद करते हैं उनसे? आगे बढ़े, बढ़िया रहे, और क्या उम्मीद करेंगे। इधर हाल में मुलाकात हुई थी आपसे? इधर तो नहीं आया, मुलाकात नहीं हुई। अच्छा, जब जानकारी मिली कि अब मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बन गए हैं तो कैसा लग रहा है अब आपके गांव में? क्या हम लोग खूब खुशी मनाए, पटाखा खूब छोड़े। लगता है कि विकास जो है बिहार का अब आगे बढ़ेगा, आपके गांव का विकास होगा? हाँ, विकास तो होना ही है, आगे भी विकास होगा। कैसे देखते हैं सम्राट जी की उपलब्धि को? बहुत अच्छे दिखते हैं। क्या उम्मीद है उनसे अब? उम्मीद है कि गांव में विकास होगा, मेरे गांव का तरक्की होगा, मेरा गांव आगे बढ़ेगा। क्या विकास होना चाहिए यहाँ पे आपके नज़रिए से? विकास, सबको रोजगार मिल जाए सबको, और क्या, इससे अच्छा क्या विकास होगा। बेरोजगार लोग है बहुत सा बड़ा, रोजगार मिल जाए उन लोगों को। क्या नाम है आपका? सुभाष। कैसा लग रहा है आपको आपके गांव के जो है सम्राट जी उप मुख्यमंत्री बन गए? बहुत अच्छे हैं, मेरा भाई है गांव का, बढ़िया है, उप मुख्यमंत्री बने, सबको उमंग है, बहुत अच्छा। क्या नाम है बाबा आपका? मणि मंडल। बहुत धन्यवाद देते हैं उनको, खूब हम कहते हैं कि अथी न बन जाए, मुख्यमंत्री बने, बहुत बढ़िया है, हमारा ले तो बहुत बढ़िया। आते हैं तो मिलते हैं? हाँ हाँ, खूब तो खुशी है बन गए, खूब खुशी, खूब। राज चौधरी जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। बिहार में कमी है जो बेरोजगारी, हाँ वो तो उनका अथी है, बहुत रोजगार देगा, एकदम देगा, हम तो जानते हैं कि खूब, और विकास होना चाहिए और बढ़िया से। अच्छा बाबा, ये बताइए सम्राट जी जब गांव आएंगे, आपके पास आएंगे तो आप क्या मांग करिएगा? हम मांग, हमारे गांव में फील्ड बनाइए, ये बनाइए, रोजगार दीजिए, और क्या करेंगे। जय श्री राम, मैं हो गया बिहार तो, अब तो और क्या होना, सब कुछ हो गया हम लोग का, समझिए उद्धार हो गया। जय श्री राम, उद्धार हो गया। चौधरी, अब तो आपके घर के लोग जो है बिहार के डिप्टी सी एम हो गए, उस दिन घर का माहौल कैसा था, यहाँ तक के सफ़र को कैसे देखते हैं आप? देखिए, हमारे गांव के और हमारे परिवार के लोग ये केंद्रीय नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी को, आदरणीय भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को, हमारे गांव के लोग काफ़ी बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। और हम जिस तरह से इन लोगों ने नेता बिहार प्रदेश के विधानमंडल का चुना गया, इससे ज़्यादा हमारे गांव में खुशी कभी नहीं आया था। महादेव, 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 हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अगला पोस्ट भी अब जो बिहार में बचा हुआ है, हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि वह भी ले लें। अच्छा, एक आप उनके बड़े भाई हैं, जब वो गांव आएंगे तो क्या अपेक्षा रहेगी आपकी, क्या डिमांड करेंगे बिहार के लिए, अपने गांव के लिए? हम गांव के लिए क्या डिमांड करेंगे, वह तो उनका वो घर है, हम लोग अब डिमांड उससे क्या करेंगे, हम यही चाहेंगे कि वह बिहार को सही रास्ते पर लेके जाए। जिस तरह यह जंगल राज कायम हुआ था राजद परिवारों के द्वारा, वह खत्म कर दे,
हम लोग के गांव की यही इच्छा है। मैं महादेव 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 जय श्री राम जय श्री राम। आपके नजरिए से बिहार के हित में हो, आपके गांव के हित में हो, मुंगेर के हित में? बस हम अपेक्षा उनसे यही रखेंगे कि वो जंगल राज को समाप्त कर दें, बस हम इतना ही चाहेंगे। आपके गांव में भी बहुत सारे लोग चाहिए, तो क्या जब आएंगे तो वो आप इस चीज़ के बारे में उनसे बातचीत करेंगे? जी जी जी, रोजगार का तो मस्ट है, चाहेंगे कि जितना जल्द हो सेंट्रल से कनेक्ट करके फैक्ट्री वगैरह लगाया जाए जो कि बेरोजगारी यहाँ का दूर। अच्छा एक चीज़ बताइए, जिस दिन ये घोषणा होना था उसके पहले सरदार जी कह रहे थे हमको उप मुख्यमंत्री पद नहीं चाहिए, कैसे आप लोगों ने उस सिचुएशन को कैसे झेला और कैसे उन्हें मनाया कि नहीं आपको होना चाहिए? देखिए ये तो मतलब ऊपर की बात है, उतना पता भी नहीं चला हम लोग को, डायरेक्ट हम लोग को पता चलता है टीवी न्यूज़ के माध्यम से कि ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री का हम लोग को मिलने जा रहा है। बात हुई चाचा से आपकी? जी जी जी, जाके आशीर्वाद लिए। अच्छा। और कल लौट के आए हैं वहाँ से, पटना से हम लोग सारा जन गए थे वहाँ पर, आशीर्वाद ले के आए हम लोग कि अब बिहार के साथ साथ सेंट्रल को भी पूरा मतलब बिहार से ले कर देश तक के मतलब डेवलप कीजिए। गांव में कैसा माहौल है? एकदम बढ़िया, एकदम उत्तम लग रहा है कि कुछ हम लोग दीपावली होली साथ में खेलेंगे और मिठाई भी साथ में बनाएंगे। क्या नाम है आपका? राजू कुमार प्रधान। कैसा है माहौल गांव का? आप तो डिप्टी सीएम बन गए हैं। बहुत बढ़िया है। कुछ उम्मीद है उनसे, कुछ मांग है? बहुत उम्मीद है। क्या मांग करना चाहेंगे आप? मांग क्या करेंगे, सब बढ़िया है। क्या करते हैं आप? ज्वेलर्स से काम करते हैं। ज्वेलर्स का ये बताइए क्या नाम हुआ आपका? क्या उम्मीद करते हैं अब आपके आपके गांव के सम्राट जी जो हैं उप मुख्यमंत्री बन गए हैं? जो भी यहां काम से वंचित थे तो वो पूरा करेंगे। जो सम्राट जी ने चाह रहे थे कि ये काम करें वो काम नहीं कर पाते थे, और अब वो स्थान पर पहुंच चुके हैं जो कि वो काम पूरा कर सकते हैं। क्या लग रहा है गांव में क्या होनी चाहिए, क्या व्यवस्थाएं वैसी जो आपके नज़र में हो? गांव में व्यवस्था तो अभी भी अच्छा है उनके अति से, जो और जो भी बाकी है वो पूरा करें, हम लोग का तो यही मांग है और यही हम लोग का अथी है। लगता नहीं आपको भी जिस तरह से बार बार बेरोजगारी की बात आपके सामने आपके गांव के लोग भी करते हैं, तो क्या आएंगे तो आप लोग कहिएगा उनसे कि इस चीज़ से पहल करें? हमको ऐसा लगता नहीं है कि हमको कहना पड़ेगा, काहे कि इसी समाज में बचपन से अभी तक उन्होंने व्यतीत किया है, और हम लोग सब उन्होंने जानता है कि क्या चीज़ का कमी है, तो उन्होंने हम लोग को विश्वास है कि उन्होंने पूरा कर देगा हम लोग को। चलिए बहुत भरोसा है। क्या नाम है चाचा आपका? प्रकाश। क्या उम्मीद करते हैं सम्राट जी से? उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया बात है। खुशी है गांव में? खुशी है। उस दिन क्या क्या हुआ जिस दिन घोषणा हुआ कि अब उप मुख्यमंत्री बन गए हैं? उस दिन पटाखा छड़ा खुशहाली मनाया। आपको मिठाई मिला था या नहीं? हाँ। अच्छा मिला था। आते हैं सम्राट जी तो मिलते हैं आप लोगों से? जरूर मिलते हैं। क्या क्या बात होती है कुछ बात यही ढंग का होता है, हाल चाल पूछते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? कैसा रहता है आने के बाद उनका व्यवहार? बहुत खुशी रहता है, उसको बहुत रहता है, तो सबसे मिलता जुलता है, सबसे प्रेम रखता है, सबसे बहुत बढ़िया है वो आदमी, खराब नहीं है। पहले मंत्री हुआ करते थे, अब उप मुख्यमंत्री बने हैं, तो गांव में कैसा माहौल है? गांव भी बढ़िया है, गांव बढ़िया होता है, खूब बढ़िया से काम होता है, काम करेगा। देखिए पूरे गांव वालों को उम्मीद तो है सम्राट चौधरी से कि पहले भी कई दफा दो बार तीन बार मंत्री रह चुके हैं, लेकिन इस बार डिप्टी सीएम का पदभार उन्होंने ग्रहण किया है, और ग्रामीणों को ये उम्मीद है कि गांव के साथ साथ बिहार का भी काफ़ी विकास होगा। और जैसे कि इनके गांव के भी कुछ ग्रामीण हैं जो युवक हैं, उनकी डिमांड थी कि आएंगे सम्राट जी तो उनसे रोजगार के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे फैक्ट्री लगाने की बात करेंगे। हालांकि अब जब सम्राट चौधरी आएंगे और आगे सरकार का जो विस्तार होगा कैसा कार्यकाल रहेगा वो तो देखने वाली बात होगी। गोविंद कुमार,
गांव लखनपुर, तारापुर, मुंगेर, बिहार तक।